इसको मोहरी बोलते हैं। ये होता है दो प्रकार का, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। बड़े मोहरी वो देवी देवता में बजता है मंडी मेला में यात्रा में, और ये छोटा मोहरी जो होता है ये शादी घर में बजता है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत मोहरी वाद्य यंत्र का चलन वर्षों पुराना है। मोहरी कला यहाँ के हर सुख हर दुख, छठी ब्याह चाहे मरनी हो, शासकीय कार्यक्रम हो, इस वाद्य यंत्र का उपयोग बड़े ही उत्साह के साथ वर्षों पुराना चला आ रहा है। मेरा चाचा से सीखा, उसके बाद बड़ा भाई से सीखा, उसके साथ शादी घर में जाते 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 बाजा बजाते बजाते मोहरी सीख गए। सबका सुर अलग अलग होता है, लेकिन छोटा मोहरी बजता है उसका जन्म दिन बनाते हैं, उस दिन से जवानी होते तक मरते तक अब उसको बजाते हैं छोटा मोहरी। अब बड़ा मोहरी है तो वो यात्रा घर बजता है। हमारी कला संस्कृति बहुत लुप्त होते जा रही है, आप इसको देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है कि अब अभी का बाल बच्चा उतना ध्यान नहीं रखते, क्या है कि निराश हो जाते हैं, ये क्या है इसको कौन सीखेगा बोलते हैं। अभी लोग पुराना संस्कृति को छोड़कर नए जमाने के संग चल रहे हैं, जैसे केसियो आर्गन बजाते हैं, तो आप ये दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? ये कांस पीतल का मोहरी में काम अच्छा होता है, ताकि अब उसमें केसियो में आर्गन में देवी का देवतेल चून माटी मांडो गाड़ने का तेल चढ़ाने का भार नहीं होता है, मोहरी से होता है। वो अपना कला है, मन का भोक है तब बजा जाता है, नहीं तो सादा खाली फूकने से नहीं होता है।